मैं शुरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। हाथ पकड़ के प्रियंका ने सौंदर्या को बोला है सॉरी। आखिरकार प्रियंका से ऐसी क्या गलती हो गई है जिसके बाद माफी मांग रही है प्रियंका सौंदर्या से। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट, जिस चीज को बिग बॉस 16 के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में बताया कि आटे को लेकर जो है सौंदर्या और अर्चना में जो है और प्रियंका में जो है लड़ाई देखने के लिए मिली, और इसके बारे में फुल डिटेल जो है मैं पहले ही आप तक पहुंचा चुकी हूं। अगर आप लोगों को इस लड़ाई के बारे में जानना है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसी चीज से काफी ज्यादा परेशान हुई थी प्रियंका, और प्रियंका अंकित के पास बैठी थी और इसी मैटर के बारे में बात कर रही थी कि आखिरकार आटा आया कहाँ से, सौंदर्या ने आटा चुराया है या अर्चना ने आटा चुराया है, पर आटा तो हमारा नहीं था, चावल जो है इतने दिनों से हम लोग खा रहे हैं, अगर आटा था तो हमें खाने के लिए क्यों नहीं मिला, वगैरह वगैरह बातें जो है प्रियंका कर रही थी। और प्रियंका को काफी ज्यादा कंफ्यूज, जब प्रियंका को काफी ज्यादा सैड देखा सौंदर्या ने, तब सौंदर्या जो है वहां पर आई और सौंदर्या ने जो है पूरी बात क्लियर की। सौंदर्या ने बोला कि देखो मैंने आपको रोटियां बना के दी, मैं आपको उस वक्त इसलिए नहीं बताना चाहती थी ये चीज है कि आप इसके बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ बोल ना दे, क्योंकि ये आटा जो है ना मेरा था ना अर्चना का था, ये एनसी स्टैन का था जो कि वहां पर पड़ा था, और मैं काफी दिनों से उस चीज को देख रही थी, कोई भी उस आटे को अपना नहीं बोल रहा था, तो आज जो है मैंने उठा के उसकी रोटियां बना दी। तो ये चीज सुनने के बाद जो है वहां पर प्रियंका बोलती है, आई एम सो सॉरी सौंदर्या, मुझे तेरे ऊपर तो डाउट था ही नहीं, मुझे ऐसा लगा है कि ये अर्चना का आटा था और अर्चना ने ये गेम खेली होगी, क्योंकि वो कभी ना कभी ऐसी उंगलियां जो है वो मारती रहती है, यार तुझे ऐसा बुरा भला कुछ भी मैंने बोल दिया उसके लिए मुझे माफ कर दे, ये बात जो है प्रियंका बोलती हुई नजर आई है सौंदर्या को। हालांकि कभी कभार कुछ गलतियां होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, पर अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप सामने से जाके अगर माफी मांगते हैं तब दिल खुश हो जाता है, और ऐसे इंसान जो है जनता को पसंद आते हैं। और ये चीज आप लोगों को प्रियंका की कितनी ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।